I adopted a new kitten. Hope that इसके legs का कोई worse condition ना हो. और मैं जब भी याद करती हूँ ना मेरे को बहुत रोना आता है उसको लेके. Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome or welcome back to my channel. Welcome back to another video. I know बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ मिल रही हूँ. ऐसा बैठे हुए video बनाए बहुत दिन हो गए, right? So आपने तो thumbnail देख ही लिया होगा. I adopted a new kitten. Yes, you heard it right. So, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि जब जब नया वीडियो डालूं तब तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि आई अडॉप्टेड अ न्यू किटन, उससे मिलाने से पहले मेरे पास जो ऑलरेडी कैट्स है उनका इंट्रोडक्शन भी मैं देना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कभी भी उनका इंट्रोडक्शन ऑफिशियली कोई वीडियो नहीं बनाया है इस चैनल पे. क्योंकि बीइंग अ कैट मॉम मेरी जर्नी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स की थी, मैं क्या बताऊं आप लोगों को. तो मेरे पास जो ऑलरेडी कैट्स है सबसे पहले मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊंगी और लास्ट में आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सी किटन अडॉप्ट की हुई है. तो जो पहला कैट है मेरे पास वो है अली. आप पीछे टाइगर को भी देख सकते हो, मेरे पीछे ही बैठा हुआ है. और आज मेरी वॉइस से थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना क्योंकि सर्दियाँ चल रही है तो मेरी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट हो रही है. और ये दो दिन में चली जाएगी, तो मैंने सोचा कि चली जाएगी इससे मतलब है कि ये बैठ जाएगी, तो मैंने सोचा कि उससे पहले ही मुझे इनका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है. मेरी किचन को भी आपको यू नो बताना है. तो जो सबसे पहला कैट मेरी जिंदगी में आया है, जो अल्लाह की तरफ से रहमत मेरे घर में आई है, वो है अली. अब आप ये नाम सुनोगे तो बोलोगे अली ये कैट का नाम आपने कैसे रख लिया. तो अरबिक में सबसे पहला अगर आप सर्च करोगे मेल कैट नेम्स तो सबसे पहला अली ही आता है. और हम कैट्स का नाम अली रख सकते हैं. ही इज अली, ही इज माई फायरबॉल, माई स्नोई, माई बेबी, मेरी जान. ये मेरी जिंदगी है, सच्ची बताओ ये मेरी जिंदगी है. सबसे पहला जो मेरा मेरा जो बेबी आया ना मेरी जिंदगी में, ही इज द वन जिससे मैं कैट से यू नो डरना यू नो बंद किया ना, मैंने मेरा डर निकला आप लोगों से ना, है ना मम्मा. तो ही इज द वन जिससे मेरा डर भागा है. आई एम समवन हु नेवर वांट्स कैट बिफोर, हु डोंट लाइक कैट्स एट ऑल. वो जो पंजा उन लोगों के पॉज होते थे, वो जो लगते थे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते थे. आई एम समवन लाइक दैट, बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाउ. एंड ऐसा माना भी जाता है राइट कि कैट्स जो है वो एंजाइटी को कम करने में मदद करते हैं. और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि आई हैव एंजाइटी इश्यूज फ्रॉम लास्ट 14 ईयर्स. तो इट रियली हेल्प्स. यस, फैक्ट चेक बोलूँ या क्या बोलूँ पता नहीं, बट इट रियली हेल्प मी अ लॉट एंजाइटी को कम करने के लिए. तो अली इज द वन, ही इज वेरी लवेबल, वेरी इनोसेंट एंड मेरे से चिपक के सोता. ही लव ह्यूमन बॉडीज, he love his food, he love his mama me and the second cat I have is tiger. Yes, tiger say hi. Tiger says hi. Hi everyone, my name is tiger. I may look like you know dangerous, I may look like angry, but I'm not, because I love my mama. I love my mama's lap very much. I am on her lap 24/7. So Tiger is such a sweet boy. मतलब बहुत से लोग मेरे friends भी ना इसकी शक्ल पे और इसकी body को देख के डर जाते हैं. But no, he is mama's boy, right? You are mama's boy, no? है ना? ये mama का लड़का है, है ना? सबसे पहले जब Tiger आया था ना मेरी life में, समथिंग वन मंथ बाद आया था जब मैंने अली और मुइजा को लाया हुआ था. मेरे पास 4 कैट्स थी इससे पहले, ये न्यू किटन अडॉप्ट करने से पहले मेरे पास 4 कैट्स थी, जिसमें 2 फीमेल्स नहीं रह पाई, उनकी डेथ हो गई. एक का नाम मुइजा था, एक का नाम दुआ था. मुइजा पहले से बीमार थी, उसे फंगल हो गया था, बहुत छोटी थी तो वो उस वजह से. ओके, इग्नोर बैकग्राउंड साउंड बिकॉज मेरे बच्चे खेल रहे हैं. तो मुइजा को फंगल हो गया था, हमने बहुत ट्रीटमेंट कराया बट नहीं रह पाई. बाद में जो टाइगर के साथ जो पैर हम लेकर आए थे उसका नाम मैंने दुआ रखा हुआ था. तो दुआ मुझे बहुत ज़्यादा नाम पसंद था एंड मुझे बहुत अच्छा भी लगता था कि दुआ बुलाऊँ मैं. शी सच अ स्वीटी. और मैं जब भी याद करती हूँ ना मेरे को बहुत रोना आता है उसको लेके स्पेशली.
because a very first female cat in my life जो मेरे से बहुत अटैच थी, मैं उससे बहुत अटैच थी. हमें ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे रहे हुए, समथिंग 10 days. 10 days में वो इतना अटैच हो गई थी मुझसे और मैं इतना अटैच हो गई थी. वो लिटरली ऐसे बुलाती थी, मेरे गोद में बैठती थी, मुझे किस करती थी. तो दैट रियली मेक्स मी डिसहार्टन जब उसका यू नो इंतकाल हुआ. तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई. मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से अपने घर में जूझ रही थी. माई मदर वॉज सिक इन 2023. She is still in, you know, bedridden है मेरी mom. And उनका bedridden होना, मेरे बच्चों का मेरी life में आना, ये सारा clash हो गया. और फिर मुइजा की death, मेरी first cat, female cat की death जो हुई. And then दुआ की death हुई. I was in stress, I was in depression 2023 के last stage में. Adopted a new kitty. Say hi. We named her Princess because she looks like one. Hai na Princess? Princess is a special cat. Okay, we adopted her. We didn't want to buy any more kittens, but somehow we adopted this angel. Oh my god, she's such a sweetie. Jab ye aayi thi, दो दिन नहीं हो गया, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया. तो जब ये आई थी अली और टाइगर से इतना डर रही थी. अभी अली और टाइगर को मार रही है. बट शी इज सच अ स्वीटी. मैं आप लोगों को इसका बताऊंगी, आगे भी आप बने रहना मेरे चैनल पर, कि यू नो ये पीछे से जो इसके पैर हैं ये प्रॉपर चल नहीं पाती है. आई डोंट नो व्हाई हमने अभी तक कंसल्ट नहीं किया है वेट के पास से, क्योंकि हम जिन से लेकर आए थे और जिन मतलब इसकी मदर को बहुत सारे बेबीज हुए थे इसके साथ, तो वो सारे बच्चे ऐसे ही चलते हैं पीछे से. अब बहुत से रीज़न बता रहे, क्योंकि मेरी फ्रेंड की और सिस्टर के पास से ही हमने लाया हुआ है, तो उनके घर में मार्बल की टाइल्स है, तो मे बी इस वजह से हो सकता है कोई कंडीशन हो इसलिए. बट शी इज़ सच अ स्वीटी. She is such a sweetie. पहले मैं नहीं चाहती थी कि मैं किटन लूँ, क्योंकि दो, हाँ जैसे कि मैंने पुरानी आपको जो स्टोरीज बता रही हूँ कि जब मेरी दो फीमेल कैट की डेथ हुई, आई वॉज इन डिप्रेशन, आई वॉज इन स्ट्रेस. माई मदर वॉज सिक इन 2023. शी इज बेड रिडन. वो होना, इनका आना, मेरी दो कैट का डेथ होना मेक मी फील रियली इन स्ट्रेस्ड. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी. मैं किससे क्या शेयर करूँ, क्या बताओ, मैं कैसे रहूँ, इसलिए मैं इतना ऑन एंड ऑफ हो रही थी ना अपने चैनल पर, इतना ऑन एंड ऑफ जितना कि मैं कभी नहीं हुई हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ थी. मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर होते हुए जा रही थी. मैं हर दिन दुआ को लेकर बहुत ज़्यादा रोती थी, क्योंकि मैं दुआ से इतनी अटैच हो गई थी. मुइजा की तबीयत ख़राब थी, क्योंकि हमें उसकी सिचुएशन का पता था. मैं तो उस टाइम पर भी बहुत रोई हूँ मुइजा के टाइम पर. बट जब दुआ गई ना, तो वो बहुत सडन था. आफ्टर मेटिंग विथ टाइगर शी पास्ड अवे. उसकी एक अलग से स्टोरी बताऊंगी. बट बहुत सारी चीज़ें क्लैश हो गई. बट टाइगर की भी एक स्टोरी है गाइस. तो बीइंग अ कैट मॉम, मैं चाहती थी, मुझे जब कैट चाहिए था, अली मेरे लिए गिफ्ट है. मेरा बर्थडे गिफ्ट है अली और मुइजा, मेरे बर्थडे गिफ्ट है. उसके बाद हमने टाइगर और दुआ को लेकर आया हुआ. ऑलमोस्ट हिज ओनर वॉन्ट टू गेट रिड अवे फ्रॉम टाइगर. तो टाइगर का पहले से ही नाम टाइगर था, बट दुआ का नाम दुआ नहीं था, दुआ का नाम एंजल था, जो कि हमने टाइगर रखा. ये इतना कभी नहीं करते, ये इतना लड़ते ही नहीं है, बहुत शांत बच्चे. बट अभी देखो ये कितना लड़ रहा है मेरे वीडियोज बनाने के टाइम पे. अली बेफालतू लड़ रहे. तो ये सारी चीज़ें बहुत यू नो एक्स्ट्रा हो गई. एंड थर्डली, जब हमने प्रिंसेस को लाया, अली का नाम भी मैंने ही रखा था, मैंने सारे कैट्स का नाम रखा. प्रिंसेस जब आई थी घर में, तो उसका नाम हम सर्च कर रहे थे, तो मैंने ऐसे मेरे फ्रेंड को बोला कि तूने जो अपने लिए प्रिंसेस लेके आया हुआ है ना, तो उसको तू संभालना. तो वो प्रिंसेस मेरे मुँह से कोइंसिडेंसली निकल गया और हमने इसका नाम प्रिंसेस ही रख दिया. शी इज सच अ स्वीटी. पहले दो दिन बहुत डर रही थी, बहुत अली को भी देख के हिस करना, टाइगर को भी देख के करना. बट नाउ शी इज ओके, शी इज कंफर्टेबल. लिटर ट्रेनिंग, लिटर, हाँ मेरे बच्चे लिटर में नहीं पॉटी करते हैं, दे गो इन बाथरूम. तो इसको भी ये देख के सीख रही है. पहले आई तो पॉटी कहीं पे भी कर दिया, सुसु कर दिया, बट अब ये जा रही है बाथरूम में.
आई होप दैट इसके लेग्स का कोई वर्स कंडीशन ना हो, कोई इसको नहीं हो हेल्थ कंडीशन के हिसाब से, ठीक हो जाए इसके लेग्स बाय टाइम. तो आई एम वेरी मच हैप्पी दैट वन फीमेल टू मेल कैट्स है अभी मेरे पास. सो दिस इज़ द न्यूज़ आई रियली वॉन्ट टू गिव टू माई यूट्यूब फैमिली एंड माई इंस्टाग्राम फैमिली. तो आई होप दैट आप लोगों को मेरी न्यू किटन पसंद आई हो, राइट? एंड मुझे बताना आप लोग भी ऐसे कैट लवर हो क्या, एंड आपके पास कितनी सारी कैट्स हैं. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मेरे पास तो तीन है, आपके पास कितनी है मुझे जरूर बताना. सो गाइज, इफ यू लाइक माई न्यू बेबी माई प्रिंसेस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ प्रिंसेस डोंट वॉन्ट मी टू लिफ्ट हर अप. ओके, सो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर. शी इज सच अ स्वीटी और हम इसे इतना प्यार देंगे कि ये बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही अच्छी क्यूट किटी बनेगी, बहुत अच्छी कैट बनेगी, है ना मामा? सो डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर. और अगर आपको मेरी बिल्लियाँ पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए एक लाइक कर देना. टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इनके साथ काफ़ी अच्छी जर्नी जाने वाली है. सो हमारी जर्नी में हमें सपोर्ट जरूर करिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल. इट्स रियली फ्री. सो बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय.